जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पपीता खाने से हमारे सेहत पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, पपीता सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, कौन कौन से विटामिन पपीते में पाया जाता है, क्या डेंगू के मरीज को पपीता खाना ठीक रहेगा, इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करें। पपीता देखने में जितना खूबसूरत और खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही हमारे सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पपीता में पोषक तत्वों का भंडार होता है, जैसे इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है। यदि कोई व्यक्ति रोजाना सुबह खाली पेट में सबसे पहले डाइट के रूप में पपीते का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती है। रोज सुबह पपीता खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाता है, पेट से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है और पेट से जुड़ी समस्याओं से पपीता बचाव भी करता है। अगर आप अक्सर कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आपको सुबह खाली पेट पपीते का सेवन अवश्य करना चाहिए। मोटापे से परेशान लोग, जिनके वजन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, वे चाहते हैं कि अपने वजन को कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी रोजाना सुबह खाली पेट में सबसे पहले पपीते का सेवन ही करना चाहिए, तो इससे वजन को घटाने में काफी मदद मिलती है। दरअसल इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है, वहीं इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में पपीता अहम भूमिका निभाता है। पपीते में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो इम्यून को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इससे आप इन्फेक्शन और बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों से लड़ने में आपका शरीर कारगर हो जाएगा। अगर आप रोज सुबह खाली पेट पपीता खाएंगे, तो इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। लीवर को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ आपकी त्वचा को भी निखारने का कार्य करता है पपीता। पपीता स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाने में भी मदद करता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे त्वचा की समस्याएं कम हो जाती है। पपीता खाने से पिंपल्स, पिगमेंटेशन, झुर्रियों और फाइन लाइंस की समस्या में काफी मदद मिलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को पपीते का सेवन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर काफी गिर जाता है। डेंगू बुखार के इलाज के लिए पपीते से बेहतर पपीते के पत्तों का रस बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इसके जूस को बेहतर ऑप्शन के रूप में माना जाता है। ये तेजी से प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के साथ ही डेंगू के लक्षणों को भी कम करता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को पपीते के पत्ते के रस में शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार 10-10 ml की मात्रा में सेवन करने से राहत मिलेगी। ये वीडियो नॉलेज के पर्पस से बनाया गया है। किसी भी नुस्खे को प्रयोग में लाने से पहले अपने डॉक्टर या फूड विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। कमेंट करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।